अरे इतने जल्दी क्यों बैठ गए? लेकिन मुझे नीचे तो जाने दो। क्या क्यों मुरझाए हुआ? थक गए, पैर अंदर घुस जाएगा। बर्फ अगर अंदर चला गया तो फिर आपका होगा काम। देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। नहीं नहीं होगा। सुकून का दूसरा नाम बर्फ में आग मिलना। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर प्रकाश, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वॉस्टर। देखिए हम जा रहे हैं जिस्पा की ओर, जहां पे भी बर्फ की भरमार दिखेगी वहां पे रुकने का प्लान है। तो होटल से लगभग हमको जाना होगा 14-15 किलोमीटर आगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वेता को पूछ रहा हूँ कि तबीयत कैसी है, तो वो बोली कि एक मजे तो कुछ नहीं हुआ, मजे कल मैं डर गया था। गुड मॉर्निंग फ्रॉम शिशु। आज जाएंगे फिर से जिस्पा की ओर, हम ट्राई करते रहेंगे, मजा आता है। फिर भी नॉर्मल ठंडा लगता है। फिर मैंने सेता को चेक करने को बोला, चाय पी लो। तो अंकल ने हमको चाय पिलाई है, रूम थोड़ा गंदा है तो इग्नोर करना। सारे बैग पैक सब कुछ रेडी हो गया है, ठंडे पानी से नहाना पड़ा मुझे। गीजर चालू किया था, दोनों पानी मिक्स होते 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 इतना ठंडा हो गया कि पता नहीं चला, तो ऐसे ही पानी से फिर नहा लिया। थोड़ी देर हालत खराब हुई, अब नॉर्मल लग रहा है, तो मुझे ठंड ज्यादा नहीं लग रही है, मैंने क्योंकि ठंडे पानी से नहाया ना। बाहर मिलते हैं। आज पूरा गुजरात में ठंड है। मम्मी का अभी कॉल आया था, मेरी मम का बोल रहे थे ठंड बढ़ गई है। मैंने बोला हम तो सारा माइनस डिग्री में जी रहे हैं अभी। हर थोड़ा चल के जाने में भी सांस फूलती है। आप तो आराम करते हुए जाओ, ज़्यादा हड़बड़ी मत करो, थोड़ा बैग रख के जाना, ठीक है। रुको ब्रेक लो। होमस्टे था उसमें हम रुके थे, ये वाला होमस्टे था, कोई भी नहीं, हम अकेले ही थे। ये लोग देते नहीं लेकिन हमको दिया था रहने के लिए। देखो किस जगह पर हमने पार की थी, ये तार बार कूद के हम गए थे, जैसे कोई रेफ्यूजी बॉर्डर क्रॉस कर रहे होते ना ऐसे। ये कार यहाँ पे पार की थी और भाई साहब ऊपर तो स्नोफॉल है, पूरी ऊपर स्नोफॉल हो रही है। फट जाएगा आराम से। अरे एक तो फटा नहीं ना। परेशानी ये है कि कार स्टार्ट होगी कि नहीं होगी हमारी। एक सेल में स्टार्ट हो जानी चाहिए, एकदम नजदीक रखा था मैंने ये, और मेरा कैमरा और वो सब अंदर ही था। कैमरा का हालत पता नहीं कैसा होगा, ठंड की वजह से कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं। नहीं नहीं होगा, नहीं होगी। रुको। हुआ स्टार्ट तो हुआ, पर अभी टाइम लगे। गुजरात में तो जाने का मन ही नहीं हो रहा। अमेजिंग व्यू। कौन स्टार्ट पे रखा है कार को? आप सामान रख दो। गिफ्ट मांग रहे थे, पैदल ही जा रहे बेचारे। हमने बोला कार तो जाने वाले, तो बोला ठीक है भैया हम चले जाएंगे पैदल। हमारे पास सामान बहुत है अंदर, तो बैठने की जगह नहीं होगी, छोटा बच्चा है यार उन लोग के साथ। को लग रहा है कि मैं उल्लू बना रहा हूँ। अभी देखो -4 degrees है, रात को तो -13 चला गया था, वो अंकल बोल रहे थे। गर्ल्स आर यू रेडी? आज तो और ज्यादा ठंड लगेगी, हम नीचे जाएंगे तो। नहीं, अच्छा क्या प्लान है? हम यहाँ से निकल जाएंगे 12 बजे तक रिटर्न। छुट्टी खत्म हो चुकी है अब। छुट्टी खत्म, चलिए चलते हैं आगे। कोल्ड स्टार्ट बहुत हो गया, 5-10 मिनट तो कर दिया ना, 5-10 मिनट हो गए ना, बस हो गया। चलो ए, हमारा वाइपर फ्लूइड भी जम गया अंदर, हम खाली करना भूल गए थे। पाइप फटी ना हो तो अच्छा है। जी देखिए ऊपर के जो सामने वाले माउंटेन है उस पर बर्फ पड़ रही है, और जो हमारे होम स्टे वाले अंकल थे वो भी बोल रहे थे कि वेदर खराब होने की आशंका है, आप जितना हो सके उतना रिटर्न चले जाना, ऊपर ज्यादा मत रुकना। तो कुछ तो होने वाला है। बर्फबारी ऊपर तो चल रही है, लद्दाख वाले रोड पे ऊपर तो बर्फ चालू है, लेकिन यहाँ पे नहीं। ये देखो ऊपर स्नोफॉल हो रही है। देखिए हम तीनों के पैर सुन पड़ गए हैं, और बर्फ में सबसे बुरी चीज पैर सुन पड़ना होता है। माचिस वाचिस कुछ भी नहीं हमारे पास, तो कुछ जला के पैर भी सेक लेते, लेकिन अब क्या करें, नीचे ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना होगा, तो उसकी वजह से तो एकदम सुन पड़ गए पर तीनों के। यस, नॉर्मल शूज कुछ काम नहीं आते हैं। खराब क्वालिटी के लिए सॉरी, ग्लास पे थोड़ा फॉग जम गया है, और अभी कोई उठ के नहीं आया। हमारी अकेले की कार है, और लोकल की 2-3 कार मुझे तो दिखी, तो हमको नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन
नीचे से ऊपर चढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है क्योंकि उस टाइम तक सब लोग आने लगेंगे। सब लोग जनरली आते हैं धूप निकलने के बाद, तो 10 बजे तक सब लोग आना स्टार्ट हो गए। बर्फ ही बर्फ है और स्नोफॉलिंग भी हो रही है ऊपर। स्नोफॉलिंग एकदम हल्की ऊपर हो रही है, हल्की ऊपर हो रही है। ओ ताबड़तोड़ ठंडी है, ताबड़तोड़ बर्फबारी, ऊपर भी बर्फबारी, नीचे भी बर्फ गिरी है। थोड़े बहुत लोग हैं नीचे, तो हम जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। चलिए पापा जी का कॉल था। अभी आप दिसंबर में आते हो, अगर ऊपर स्नो नहीं है तो टांडी से कुछ किलोमीटर पहले, 15 किलोमीटर पहले और सिसु के 5-6 किलोमीटर बाद ये एक ऑफ रोड पैच है। यहाँ पे लोग जनरली आते हैं, रुको दिखाता हूँ। ये पूरा रास्ता ये 11-12 बजे बाद एकदम ट्रैफिक रहता है यहाँ पे, और नीचे आपको अच्छा खासा बर्फ मिल जाएगा अगर बर्फ के आशिक हो आप। तो सिंगल लेन है तो एक टाइम पर एक ही कार ये लोग अलाउ करते हैं, नहीं तो फिर ट्रैफिक हो जाता है। जनवरी में आपको हर जगह पर बर्फ मिलेगी, लेकिन इस साल स्नोफॉल नहीं हुई। नवंबर दिसंबर में आता है तो यहाँ पे मिल जाएगी। मेरा सबसे बड़ा चैलेंज होगा यहाँ से कार ऊपर चढ़ा के फिर ऊपर निकालना। इतना खराब रास्ता है, इतना ऑफ रोड रास्ता है कि क्या बताऊँ। मैं सोच रहा हूँ कि अब कैसे निकलूंगा। देखते हैं, निकलना तो पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। यहाँ से ऊपर चढ़ा लूंगा, कोई बात नहीं। ये भाई साहब यहाँ पे आगे जाने का प्लान है। सिट भयंकर ठंड, ठंड अभी भी -5 डिग्री है। वो लोग कहाँ चले गए? ये लोग मुझे छोड़ के चले जाते हैं जब फोटो खींचने की बात आती है, तो फिर मुझे ढूंढते रहते हैं। अब इसको दिखाता हूँ, तो ब्रिज पे चले गए। यहाँ पे 11 बजे के बाद पार्किंग भी जगह नहीं रहेगी, तो जितना हो सके उतना जल्दी आओ, जो सारा आपका खेल है वो निपटा के चले जाओ, क्योंकि धूप तो आने से यहाँ पे ऊपर पहाड़ आ गया, तो सूरज निकलने में, सूरज जब ऊपर चढ़ेगा तब धूप नीचे पड़ेगी, धूप तो वैसे नीचे पड़ती भी नहीं। तो भाई साहब मेरे हाथ देखो, हैंड ग्लव्स मुझे पहनना पसंद है, ठंड में मैं हैंड ग्लव्स पहनना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फोन ऑपरेट करना रहता है। चलिए चलते हैं जल्दी ऊपर। को पता नहीं किस बात की जल्दी रहती है, जल्दी जल्दी। यहाँ पे दौड़ने जाओगे तो सांस फूल जाएगी, जस्ट रिलैक्स एंड चिल यार, क्या जल्दी जल्दी दौड़ दौड़ धाम करोगे तो सांस फूल जाएगी फिर। ओहो हो 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 हो, क्या गजब के नजारे है भाई साहब, क्या गजब के नजारे है। देखिए धीरे धीरे पब्लिक बढ़ने लगे हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे पब्लिक भी बढ़ेगी। तो अब हमारा असली इम्तिहान है, क्योंकि हमारे पास शूज़ नॉर्मल है और जाना है बर्फ में। बर्फ वाले शूज़ नहीं है तो कभी भी स्लिप हो सकते हैं। ये रैंक पर शूज़ लेने होते थे, लेकिन हम ऐसे ही निकल आए हैं एक्साइटमेंट में। वो बोल रही थी कि श्वेता, श्रद्धा बोल रही है कि बर्फ में जाने की एक्साइटमेंट इतनी है कि कोई बात नहीं ऐसे ही चले जाएंगे। तो हम लोग को पता चलेगा, लेकिन शायद ऊपर मिल रहा, ऊपर रेंट पे मिलता होगा शूज वो जैसा कुछ। देखो ऊपर स्लिप खा के गिर गया। ए तो आराम से है ना, आप दोनों का शूज नॉर्मल है, मेरा भी वैसे नॉर्मल ही है, क्योंकि बर्फ पे गिरोगे तो लगेगी चोट, अभी बर्फ है जमी हुई। आराम से ए श्रद्धा, आराम से चढ़ना, मुंह के बल गिरोगे, आराम से आराम से आराम से। इन लोग को मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखो, लेकिन मैं ही गिरने वाला ऐसा लगता है। पे पैर रखना खुली बर्फ पे, चलो चलो चलो। रात को बर्फ पड़ी, देखो ये गिरने जाऊं मैं। ओ लड़की इधर आजा, ऊपर से इधर आओ, हर मस्त फोटो आ रहा है इधर आप। अरे कोई मेरा वीडियो शूटिंग नहीं कर रहा यार, मेरा रील्स और ये मजबूरी है मेरी। एक और मेरे तरह कोई ब्लॉगर मेरे साथ होता या फिर कोई फोटोग्राफर साथ होता तो कोई कुछ ना कुछ हो जाता मेरा। अभी तो श्वेता कर रही है मेरा शूट। गिरो मत, ए पैर अंदर घुस जाएगा, बर्फ अगर अंदर चला गया तो फिर आपका होगा काम। थोड़ा ऊपर जाओ, थोड़ा ऊपर जाओ, ऊपर। ये क्या करना पड़ रहा है रील्स के लिए, और ऊपर मैं बोलूँ तब चल के आना। आपका वीडियो क्लिक कर दूं? इधर से आइए भाई साहब, ये बर्फ ना वो दब जा रही है। हाँ ऊपर रख दीजिए, नीचे रखते तो भी चलता। एक बार बर्फ गया पैर में तो फिर हो जाएगा काम तमाम। यहाँ पे चलेगा ना? हाँ यहाँ पे रख दीजिए, गिरा नहीं होगा पर बैकग्राउंड में आएगा। मैं नाक से पानी रुक ही नहीं रहा, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। अरे इतने जल्दी क्यों बैठ गए, लेकिन मुझे नीचे तो जाने दो। रुको 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 रुको, हाथ को रब करो, गरम करो।
हैंड ग्लोव पहन के फिर वो करना था। टाइम का पता नहीं चला, टाइम 47 हो गया है। आराम से नीचे आना नहीं तो गिर जाओगे आप। आराम से ऊपर ऊपर छुटा नहीं ना। देखो अभी अभी बर्फ में हाथ लगा और पूरा पानी हो गया। आ जा आराम से हम बहुत ऊपर चले गए थे और ये लड़की यहाँ पे इंतजार कर रही थी हमारा। अब कुछ चाय और मैगी खाएंगे। चलो उठो। क्या क्यों मुरझाए हो? थक गए तो फिर बैठे बैठे आराम कर लिया तो मेरा फिर यहाँ से फोटो खींच दो। ये तो पूरी भीग गई है, इसके हाथ भीग गए, उसका पैंट भीग गया, बर्फ में बैठ गई थी। प्रकाश जी किधर जा रही हो? अरे मेरे से अब कुछ नहीं होगा, नहीं फोटो होगा ना ही कुछ। अब थोड़ी देर के बाद निकलने वाले हैं क्योंकि अब कैपेसिटी नहीं है, अभी बहुत ठंड लग रही है। हालत खराब हो गई। आपने सॉक्स में से वो बर्फ निकाला? नहीं, घुसा ही नहीं अंदर, मैं नहीं निकाला शूज। या सुनो, मेरे पास एक आइडिया है, मैं बताता हूँ। बंद कर दो लाओ। देखिए हम कुछ खाएंगे अब तो। यहाँ पे टाइम किससे निकलता है पता नहीं चलता। तो सामने स्टॉल्स है, वहाँ पे खाएंगे। अरे कहाँ है, दिख नहीं रहा। अच्छा वो सामने है। तो ये स्किप भी करना था भाई, अपने बस की बात नहीं है, यहाँ से यहाँ पे ऐसे जाना है, लेकिन हमसे ना हो पाएगा। सुकून का दूसरा नाम बर्फ में आग मिलना। ये दोनों ठंडे पड़ गए थे, अब थोड़ा सेक लो खुद को। चलिए अब सब खाना वाना हो गया है, अब थोड़ा बहुत टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे। थोड़ा उस तरफ जा रहे हैं क्योंकि इस तरफ लोग बढ़ गए हैं तो मजा नहीं आता। ए मुझे तो अभी ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लॉग इस तरह से शूट करता तो अच्छा रहता, पूरा व्यू क्लियर दिखता ना, नहीं तो पूरा व्यू मैं ही ब्लॉक कर देता हूँ। तो अब इस तरफ हम आ गए हैं। 11:30 बज गए हैं और 12 बजे तक हमने डिसाइड किया था यहाँ से निकल जाएंगे। तो अब ऊपर से कार बहुत सारी आ रही है तो हमको जाने में बहुत टाइम लगने वाला है, ऊपर चढ़ने में शायद घंटा लग जाए। 12 बजे निकलेंगे तो 12:30 बजे शायद मेन रोड पे पहुँचेंगे। यहाँ पे क्या माहौल बनाया है इन लोग ने, काफी अंदर तक बर्फ है। इधर कोई ज्यादा आता नहीं ना तो बर्फ दबी नहीं है। हो आज तो हालत खराब है भाई। यहाँ पे अच्छा है, मेमोरीज कैप्चर करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। अब खा गए, अब बताओ क्या करें इसका। बर्फ भी कोई खाने की चीज़, ये गंदा होता है भाई। थक के चकना चूर हो गए। आज हमको पहुंचना है अमृतसर, लेकिन सारी एनर्जी तो हमने यहाँ पे वेस्ट कर दी। तो अब पता नहीं क्या होगा, खींचना तो पड़ेगा जितना हो सके उतना। 12 बजने ही वाले हैं ऑलमोस्ट। जल्दी चलो, थक गए क्या? चलिए इस खूबसूरत वादियों को बोलते हैं बाय बाय, इस बर्फ को बोलते हैं बाय बाय। अब 2 दिन बाद वही पुरानी बोरिंग लाइफ। मैं कार के बारे में आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम लेके आ रहे हो अपनी कार तो, क्योंकि जो हमने फेस किया वो जो एक्सपीरियंस है आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अब मैं क्या करूँगा, कोई जो कार ऊपर चढ़ रही होगी उसके पीछे पीछे लगा दूंगा तो आराम से उसके पीछे। हाँ तो अभी वहाँ पे स्लो स्नोफॉल हो रहा होगा, और जो माउंटेन है उस पर स्नोफॉल हो रहा है ऊपर। तो कल हम गए थे जिस तक क्या दारचा तक गए थे, दारचा भी नहीं गए एग्जैक्ट, आधे रास्ते से मुड़ के आ गए थे। तो ये ऊपर स्नोफॉल चल रहा है। ए आज के दिन का सबसे बड़ा टास्क है यहाँ से अब कार ऊपर चढ़ना। आज कल तो ज्यादा था, कल संडे था और कल क्रिसमस था तो कल ज्यादा भीड़ थी, आज इतनी है नहीं। मैं तो फट के आंसर आ गई यार, एकदम खराब। अब आगे से उतरना था यार। तो आप लोग बोले मैं कहूंगा तो नहीं, ऐसा नहीं, बाहर उतर के सामने से ले रहा था, नीचे लग भी गया क्योंकि वो स्पीड से ही निकालनी पड़ती। पता नहीं लोग ऑल्टो और वो सब कैसा निकाल लेते हैं। हम इतनी स्पीड में ऊपर चढ़ रहे हैं और यही करना पड़ता है। अगर हमारे पास पिकअप नहीं होगी और मोमेंटम नहीं होगा तो फिर हम तो रिवर्स जाने लगेंगे और पीछे वाला गाली देगा। तो ये स्पीड में निकालना पड़ेगा, इसमें कभी कभी पंचर होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। देखो ये मोड़ है अगर, तो इसमें तो फिर दिक्कत हो जाएगी। धीमे धीमे वो करेंगे तो क्या करेंगे, धीमे धीमे कार चलाएंगे तो वो करेंगे, ऐसा ही करना पड़ेगा इसमें। आलो यहाँ पे कुछ बड़ी गाड़ी आ गई है तो यहाँ पे दो गाड़ी क्रॉस करने का जगह ही नहीं है। निकल जाए
इतना खराब मैंने रपाया है, इतना खराब। चेक कर लेते हैं, कार्रवाई कर लेते हैं कि टायर कोई पंचर तो है नहीं। नहीं नहीं, सारे टायर कंप्लीट है। देखिए हम ऊपर आ गए, बहुत हार्ड रास्ता था भाई, भयंकर। क्योंकि एक तरफ पूरी खाई और एक तरफ, मतलब ये तो नॉर्मल ही होगा, लोग ऑफ रोडिंग करते होंगे, लेकिन मेरे लिए ये फर्स्ट टाइम ऐसा रास्ते से मैंने निकाला। पूरा एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम था यार। तो बाय बाय। ओ स्नोफॉल हो रही है ऊपर, ये देखो स्नोफॉल हो रही है हल्की हल्की। हमें यहाँ से निकलना है और यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट होने वाली है ऐसा लगता है। कोई बात नहीं, मेरा वाइपर वॉशर का फ्लूइड था वो जम गया है, अभी भी नहीं निकला, तो वो तो पता नहीं कब थोड़ी गर्म होगी कार तब निकलेगा, क्योंकि अभी भी -4 था नीचे, तो वो फिर लिक्विड मेल्ट हुआ ही नहीं। तो ये सब मैंने साफ कर दिया है, फिलहाल के लिए तो चल जाएगा, लेकिन पानी फिर बीच में डालना पड़ेगा। चलिए अब हम कंटिन्यू हमारी करते हैं रिटर्न जर्नी। इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे समाप्त। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ मोमेंट आउट फ्रॉम योर बिजी रूटीन टू वॉच दिस वीडियो। खुश रहे, जुग जुग जिए। सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग। अब स्टार्ट करते हैं हमारी रिटर्न जर्नी, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा।